सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। पीएम मोदी के बयान पर राहुल बोले, 100 दिन में मोदी सरकार से मिल जाएगी आजादी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। मोदी के बचाओ 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 का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि यह मदद की गुहार उन लोगों की है जो आपके अत्याचार और असमता से मुक्त होना चाहते हैं। बता दें कि कोलकाता में विपक्ष की रैली पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा था कि विपक्षी पार्टियां बचाओ 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 चिल्ला रही है। तो इसके बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, महामहिम मदद के लिए गुहार लाखों बेरोजगार युवाओं, संकटग्रस्त किसानों, वंचित दलितों और आदिवासियों, सताए गए अल्पसंख्यकों, बर्बाद हो गए छोटे व्यापारी की आवाज है। वे आपके अत्याचार और अक्षमता से मुक्त होने की गुहार लगा रहे हैं, वे 100 दिनों में मुक्त हो जाएंगे। मोदी ने कहा, हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस मंच से ये लोग देश और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे, उसी मंच पर एक नेता ने बोफांस घोटाले की याद दिला दी। आखिर सच्चाई छुपती कहाँ है? पश्चिम बंगाल में भाजपा का सिर्फ एक विधायक है, लेकिन वे हमसे बहुत डरते हैं क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए उन्होंने पूरे देश की पार्टियों को एकत्रित किया और बचाओ 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 चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।